हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनंदा दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये नहीं है कि अगर आपके फेस पे पिंपल हुई है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, अगर आपके फेस पे रिंक छइयां मेलास्मा हुई है तो आप कैसे ठीक करोगे, इस टॉपिक पे नहीं है आज का वीडियो। हाँ ज़रूर इस टॉपिक पे तो ज़रूर है ताकि आपके फेस पे ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, आपके फेस एकदम अच्छे रहे, हेल्दी रहे। तो आज का टॉपिक बस इसी बारे में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आज के इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ तो आप सीख के ही जाओगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्किन केयर में बहुत कुछ आता है, क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर सीरम और बहुत तरीकों से आजकल मतलब बहुत कुछ आता है स्किन केयर रूटीन में। स्किन केयर में जो मेन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्किन को मॉइस्चर रखना। मॉइस्चराइजर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो मेन इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज मतलब करेंगे तो उससे पहले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइजर ही लगा लिया और आपकी स्किन हेल्दी हो गए है, हेल्दी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो जिस स्किन पे आप लगा रहे हो, जहाँ पे आप लगा रहे हो उसको साफ करना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि जो आप दे रहे हो वो अंदर जाके एक अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट आपको दे। तो इसीलिए क्लींजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन ओवरऑल पार्ट में जो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि स्किन केयर, आपको स्किन केयर अगर करनी है ढंग से और जो नॉर्मल स्किन केयर करनी है, आपको आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सब वो सब करने की, आपको अगर नॉर्मल आपको अगर स्किन केयर करनी है तो बहुत बेसिक स्किन केयर की प्रोडक्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो उनमें से मेन तो ऑब्वियसली ये है क्लींजिंग करना। आपके पास एक अच्छी क्लींजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो क्लींजिंग कर रहे हो वो हो, मतलब आपके फेस अच्छी तरह से क्लीन करे। तो इसलिए क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस मीन्स सिर्फ मॉइस्चर रखना। आपके मेन जो जैसे मैंने बोला है स्किन को मॉइस्चर रखना ही मेन पार्ट है आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो बस ये सारा जो मैं प्रोसेस दिखाऊंगी आप अगर इसको डेली कंटिन्यू करेंगे तो आपकी स्किन 100% हेल्दी रहेंगे और ये सब प्रॉब्लम से आप बहुत दूर रहोगे। इसका मतलब ये एकदम भी नहीं सोचना है कि मतलब बहुत कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना है, बहुत कुछ करना है कि पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके स्किप करके भी देख सकते हो। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ नॉर्मल 2-3 प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपके घर में डेफिनेटली आपके पास डेफिनेटली होगा, पर उसको कैसे यूज़ करना है और मतलब डेली यूज़ करना है यही मेन बात है। स्किन केयर बहुत मतलब झंझट वाली काम नहीं है, बहुत बड़ी काम नहीं है और बहुत कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मैं ये डेली करती हूँ, डेली मैंने और एक वीडियो पे दिखाया है कि मैंने मतलब मेरा डेली रूटीन, वहाँ पे मैंने एकदम रियलिस्टिक दिखाया है। आज जैसे मैंने थोड़ा सा बैठ के बना रही हूँ, उस दिन बैठ के भी नहीं बना रही थी, जैसे इस टाइम पे मैं बनाती हूँ सुबह के टाइम ऐसे झटपट झटपट खाना बनाती हूँ ये सब, वो वहाँ पे मैंने वो दिखाए थे। और सिर्फ वहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ अंतर यही होगा कि कुछ प्रोडक्ट अलग हो गए बस, बेसिकली और ज़्यादा कुछ मतलब अंतर नहीं है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं जो यूज़ करूँगी वो है क्लींजिंग। अगर आप मुझे पूछोगे एक अच्छा सा फेस वॉश बताने के लिए तो मैं ये सिंपल का ज़रूर बताऊंगी। ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है और हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए मैं थोड़ी सी मैं जल्दी दिखाई हूँ, पर आपको ऐसा नहीं करना है। मिनिमम 1 मिनट तक आपको फेस वॉश करनी है, तो बस ऐसे फेस वॉश करिए आप। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है मेरा वो भी है स्किन को हाइड्रेट रखना, स्किन को मॉइस्चर रखना। तो जैसे मैंने बोला है स्किन केयर का मेन पार्ट यही है, आपको इसीलिए स्किन केयर करनी पड़ती है ताकि आपकी स्किन मॉइस्चर रहे। तो इसीलिए जो मैं सेकेंडली जो यूज़ करती हूँ वो अभी मैं तो टोनर यूज़ नहीं करती हूँ, और कभी कभी करती हूँ कभी कभी नहीं करती हूँ, डेली बेस पे मैं टोनर यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने आप देख रहे हो मैंने स्किन को ये नहीं किया है, मतलब स्किन में मैंने वॉश किया था, अभी पानी है जो धीरे मतलब बातें करते करते जो जितना पानी ऐसे रहेगा, मतलब अभी मुझे पानी की स्किन में ज़रूरत है क्योंकि अभी मैं यूज़ करूँगी स्किन में हाइड्रोलोनिक एसिड। हाँ हाइड्रोलोनिक एसिड सीरम जो हमारे घर पे सबके घर पे रहते हैं वो है ये ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो जैसे हाइड्रोलोनिक एसिड का हाइड्रोलोनिक सीरम का मेन काम यही होता है कि वो आपके स्किन में मॉइस्चर को पकड़ के रखता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है ताकि आपकी स्किन एकदम मतलब ड्राई ना हो और आपके स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, हेल्दी रहे, हाइड्रेट रहे ताकि। तो जैसे मैंने बोला है सेम काम ग्लिसरीन का भी है, पहले भी मैंने बताया है। तो अगर सेम काम ग्लिसरीन का भी है तो मार्केट वाला मैं क्यों यूज़ करूँ हाइड्रोलोनिक कोई भी सीरम। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैं तो नॉर्मली यही यूज़ करती हूँ, जैसे देख रहे हो एक बड़ा सा डब्बा मैंने रख दिया है ग्लिसरीन की, ऐसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ डेली में। डेली में एक छोटे से छोटू सा ये मैं
जगह पे मैंने इसको अलग से रखती हूँ, वहाँ से मैं यूज़ करती हूँ, पर आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये ग्लिसरीन ही है, तो इसीलिए मैं ये बड़े डब्बा आज यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बोला है, ज़्यादा लेने की ज़रूरी नहीं है, बस फ्यू ड्रॉप्स लेने की ज़रूरत है। और आप ऐसे हाथों में रब करने के बाद, जैसे आप देख रहे हो मेरी स्किन में पानी है, इसीलिए मैंने पानी को नहीं शो किया है, नहीं मतलब ये सूखा लिया है, ताकि मेरे जो स्किन में जो पानी है इसका तो काम यही है ना। अगर आप सूखी स्किन में ग्लिसरीन को यूज़ करेंगे तो क्या करेगी, ग्लिसरीन का काम जैसे मैंने बोला ही है कि मॉइस्चर को पकड़ के रखना, तो क्या करेगी वो जो आपकी स्किन के अंदर जो नॉर्मल जो एक लेयर होती है पानी की, वो उस पानी को खींच के बाहर लेके आएगी और आपकी स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसीलिए आप जब भी फेस पे ग्लिसरीन यूज़ करोगे तो आपके फेस एकदम बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का पानी होना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर आप ये ग्लिसरीन यूज़ करो और जो पानी है उसको ये लॉक कर दे और आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगी। तो बस इसके ऊपर मैं ग्लिसरीन को ऐसे यूज़ कर लूँगी। बस नेक्स्ट प्रोसेस भी मेरा स्किन को हाइड्रेट रखना है, तो उसके लिए मैं ये सेटाविल का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। आप चाहे कुछ भी आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो ही आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने सेटाविल का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो बस उसी में वो मॉइस्चराइजर यूज़ करो, बस ये स्टेप फॉलो करो, ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये स्टेप फॉलो करना है आपको अगर हेल्दी स्किन रखना है तो। तो मेरा हो गया स्किन केयर करना, बेसिक जो मेरा बेसिक जो स्किन केयर रहता है वो यही है, मेन जो स्किन केयर का पार्ट है वो यही है, ताकि आपके स्किन को, ताकि आपके फेस को, जैसे मैंने बार बार बोल रही हूँ, हाइड्रेट रखना। तो मेरा स्किन केयर मेन जो पार्ट है वो फिनिश हो गया है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी जो अभी सिर्फ गर्मी का टाइम है इसीलिए नहीं, दिन में जैसे मैंने बोला है सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं सनस्क्रीन ही यूज़ करूँगी। नॉर्मल मेरा स्किन केयर हो गया है, तो अभी स्किन मतलब सनस्क्रीन के लिए मैं ये डॉक्टर सेठ का सेरामाइड एंड विटामिन सी ये वाला सनस्क्रीन मैं यूज़ करूँगी। आजकल मैं ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये सनस्क्रीन बहुत ही सच में अच्छा है, आप बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। चाहे आपके स्किन मतलब ड्राई हो, ऑयली हो, क्यों ना हो, आप अपने फेस पे ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। जैसे सनस्क्रीन का मेन जैसे है, तो इतू सा लेने में मतलब काम नहीं है, मिनिमम आपको लेना है ऐसे दो फिंगर वाला, आपको जैसे लेना है वैसा ही मैं यूज़ करती हूँ। बस इसको आप लगाओ, आप बस देखो कितने जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सच में ये बहुत अच्छा एक सनस्क्रीन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मेरा हो गया है एक हेल्दी वाला स्किन केयर जो मैं डेली फॉलो करती हूँ, तो जैसे मैंने बोला है ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं यूज़ किया है, बहुत स्टेप मैंने यूज़ नहीं किया है, और फिर भी मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और ये सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद मतलब ये सनस्क्रीन थोड़ा सा भी मतलब ऐसे चिपचिपाहट नहीं है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है स्किन में, और हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, और बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। तो बस ये सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो बस मैं आशा करूँगी इस वीडियो में आप थोड़ा सा सीखे हो, जाने हो, और बस देखना नहीं है, उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हेल्दी स्किन पाने के लिए आपको ये ज़रूर फॉलो करना है। तो बस आई होप, मैं आशा करूंगी आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, उसके साथ साथ मतलब बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास वो नोटिफिकेशन आए। तो बस मैं आप अगर चाहो तो मुझे और भी ये पे फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय।